कार्यक्रम किया जाए उसमें एक विविधता रहे। तो कभी कभी हम लोग टॉक शो कर लेते हैं, कभी कविता पाठ का कर लेते हैं, कभी शायरी का कर लेते हैं, कभी संगीत का कर लेते हैं, और इस तरह से बीच बीच में जो महान हस्तियां हुई हैं उनको याद कर लेते हैं। तो आप सबकी मोहब्बत मिल रही है, आपका साथ मिल रहा है, ये सिलसिला जारी रहेगा। तो हमारे संस्था के अध्यक्ष केशव राय जी से निवेदन है कि दो शब्द कहें, फिर हम आगे का कार्यवाही करते हैं। केशव जी, नमस्कार जी। अभी बीच में जेपी चोकसे साहब ने अपने कॉलम में केपी आजमी साहब के बारे में अपना लिखा था, इनका बोला, तो वो मैंने इंदौर में पढ़ा था, पढ़कर में इतना प्रभावित हुआ और इतना उत्तेजित एक्साइट हो गया कि मैंने कहा ये प्रोग्राम करना है। तो मैंने इंदौर से ही रेमणी पांडे जी को फ़ोन किया कि ये कार्यक्रम हमें करना है, इनकी स्वीकृति ली, फिर बाद में आप सुभाष जी, सूरज जी, आप सभी की स्वीकृति से कार्यक्रम आज सम्पन्न हो रहा है। वैसे मुझे परिचय देना था लेकिन मैं सब बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं तो मैं छोटी सी अपनी बात कहता हूँ। तो वो कॉलम पढ़कर मन में आया और फिर ये हुआ कार्यक्रम। अब अभी परसों केपी साहब का पृथ्वी थिएटर पे नाटक जो शो चल रहा है वो था केपी और मैं। मैंने वो शो देखा, 1200 रुपये की टिकट भी खरीदी क्योंकि आयोजन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से देखना था। वहाँ देखकर ये शबाना आजमी का जो पिता की प्रति जो इतना सम्मान और उनका किया हुआ जो कार्य, जो अद्भुत, जो कभी भुलाया नहीं जा सकता, वो देखकर मुझे लगा कि वाकई हर बच्चे को अपने पिता की जो विरासत, लेखन वाली विरासत है, इंसान तो चला जाता है लेकिन उसका लिखा हुआ वही अमर होता है और उससे लोगों को प्रेरणा मिलती है। जैसे मुझे मिली उनका लेख पढ़कर कि उन्होंने कैसे गरीबी से अपना जीवन शुरू किया, फिर पढ़ाई, फिर गांव, फिर वो खेत छोड़कर फिर लखनऊ गए, मुंबई आए, वहाँ पर शादी के लिए, पर घर बसाने के लिए जो चुनौतियाँ, संघर्ष, फिर मुंबई आए, ये सब देखकर मुझे लगा। और वो शो में शबाना जी कई बार उनके आंखों से आंसू बह रहे थे, पिता का जो संघर्ष कि वो अपनी बात सुना रही थी माता जी के बारे में, और पिता का रोल किया था जावेद अख्तर साहब ने किया है और माता जी का शबाना जी निभा रही है, और जो उनकी गजलें हैं वो जसविंदर जी ने पढ़ी हैं, जो अभी आ रहे हैं आपको गजलें सुनाएंगे। तो मैं उस दिन मुझे ये लगा कि जो भी सृजनकर्ता महान व्यक्ति जो लेखक है आज हमारे देश में, दुनिया में, हमें उनके विचारों से, किताबों से ही मालूम पड़ता है और हमें सीखने को मिलता है। तो वो अगर हर बच्चा ऐसा चाहे कि अपने, क्या होता है, मैंने तो कई परिवारों में देखा है कि पिताजी की किताबें होती हैं तो बच्चे रखते नहीं हैं, किताबें बेच देते हैं, बोले घर में बहुत जगह नहीं है अभी, ऐसे मेरे कई दोस्त हैं। और आजकल ये भी एक चलन है कि वो अगर बेचते नहीं है तो कई लोग लाइब्रेरी में देते हैं, पुस्तक भारती जी ने दी है। तो कहने का मतलब हमें जो प्रेरणा देते हैं महान लोगों के लेख से हम पढ़ते हैं, किताबों से पढ़ते हैं और हमें प्रेरणा मिलती है। तो ये बच्चों को करते रहना चाहिए कि जो उनके पिता छोड़ गए हैं समाज और देश के लिए, वो आगे बढ़ता रहे और शिक्षा देती रहे। धन्यवाद। ये केशव राय जी अपनी भावनाओं का इजहार कर रहे थे। दोस्तों, कुछ ऐसे शायर होते हैं, कवि होते हैं जिनको कहा जाता है कि वो जन्मदार कवि। तो जिस उम्र में कैफी साहब ने कविता की शुरुआत की थी वो बड़े हैरत में डाल देने वाली है। एक छोटा सा वाकया है कि जब वो 11 साल के थे तो उनके वालिद के एक दोस्त ने बताया उनके वालिद को कि आपका, आपके साहबजादे तो शायरी करने लगे हैं। तो उनके पिताजी को ये भरोसा नहीं हुआ कि वो 11 साल की उम्र में शायरी कर सकते हैं। तो उन्होंने कैफी साहब को एक लाइन दी, वो शायद कुछ इस तरह की थी कि आया ही था ख्याल की आंसू निकल पड़े। उन्होंने कहा कि इसे एक लाइन पे तुम ये गजल लिख करके बताओ। तो 11 साल की उम्र में उन्होंने वो पूरी गजल कही और बाद में बेगम अख्तर साहिबा ने उसको अपनी आवाज दी। तो वो गजल थी कि इतना तो जिंदगी में किसी की खलल पड़े, इतना तो जिंदगी में किसी की खलल पड़े, हंसने से वो सुकून न रोने से कल पड़े। बहुत अच्छे।
इतना तो जिंदगी में किसी की खलल पड़े, हंसने से हो सुकून न रोने से कल पड़े, और जिस तरह हंस रहा हूं मैं पीपी के गर्म अस्क, यूं दूसरा हंसे तो कलेजा निकल पड़े। ये उनका शुरुआती जीवन का ये मतलब तेवर था कि जिस तरह हंस रहा हूं मैं पीपी के गर्म अस्क, यूं दूसरा हंसे तो कलेजा निकल पड़े। तो ये क्रांतिकारी भावना मन में थी, तो हम इस तरह की बात करते रहेंगे। और एक हम इसकी बड़ी संगीत का मैं शुरुआत इसलिए करना चाहते हैं, कुछ लोग जल्दी आते हैं जल्दी चले जाते हैं, कुछ लोग थोड़ा देर से आते हैं देर तक रहते हैं। तो उज्जैन से एक बहुत प्यारी बच्ची जिसे मैं देखता आ रहा हूँ, मैं पिछले 12 साल से रेगुलर जाता हूँ उज्जैन, कि छोटी सी बच्ची थी, फिर पढ़ लिख करके थोड़ा बड़ी हो गई, फिर बैंक में उसने नौकरी कर ली, और वो बीच बीच में अपने इलाज के लिए बॉम्बे शहर आती है, और बाई चांस वो बॉम्बे शहर में थी, हमने इसे इनवाइट किया और वो यहाँ पर हाजिर है। तो गर्विता जैन, गर्विता एक गाना तुम गा करके कार्यक्रम का उद्घाटन करो, और एक गाना बाद में सुनेंगे दूसरे सत्र में, नाम उसके नीचे से हटा देते हैं। बहुत अच्छे है ना। तो ऐसा ही एक गजल उन्होंने कही थी गुरुदत्त साहब के लिए, जिसका जो मतलब है पूरी दुनिया में अगर कोई बड़ी हस्ती गुजर जाती है तो लोग उस शेर को उसमें श्रद्धांजलि में लगाते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि वो कैफी साहब का लिखा हुआ है। और हम रहे हैं कि हमारे प्यारे गायक जब जगजीत सिंह गुजरे थे तो उनके साथ उस शेर का बहुत बड़े गायक उस्ताद सलामती खान साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि जिंदगी के साथ भी, जिंदगी में भी और जिंदगी के बाद भी रियाज चलते रहता है। तो आप सब कैफी साहब के रियाज में शामिल शायद आपको उनका असली नाम न मालूम हो, सैयद अख्तर हुसैन रिजवी। हमारे कैफी आजमी पैदा हुए बड़े ही कलरफुल अंदाज में 14 जनवरी 1919 मिजवा आजमगढ़ में शिया मुस्लिम खानदान में बड़े जमींदार घराने में उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया, और जिसके लिए उन्हें नहीं जैसा श्रेय मिला है वो काम है उर्दू साहित्य को हिंदी फिल्मों में लाने का काम। जोश मलियाबादी वगैरह हिंदी सॉन्ग राइटिंग को फरमाइशी फरमासू हिंदी सॉन्ग राइटिंग को बहुत ही घटिया समझते थे, लेकिन कैफी साहब ने ये अनटचेबिलिटी को दूर करके अस्पृश्यता निवारण का अपना नजरिया एक अलग ही अंदाज में पेश किया। पूरी दुनिया के कुछ मुसलमान एक बहुत ही वाहियात मुद्दे पर जंगली बनकर लड़ते रहते हैं एक दूसरे के साथ, उनको भी कैफी साहब ने बड़े ही खूबसूरत रोमांटिक अंदाज में सुलझाया है, हल किया है। हुआ यूं कि हैदराबाद में उन दिन मुशायरा था और कैफी साहब अली सरदार जाफरी जॉन एलिया सबके साथ मुशायरा पढ़ने गए थे, तो शौकत बेगम कैफी साहब की होने वाली बीवी मुशायरा सुनने गई थी, और कैफी आजमी साहब की आवाज, अंदाजे बयान, बॉडी लैंग्वेज और हैंडसम पर्सनालिटी से इतनी ताज्जुब हो गई, इतनी फिदा हो गई कि वो उन्हें अपना दिल दे बैठे। अब वो तो यानी कि शौकत साहिबा तो थोड़ी एक्सट्रीमिस्ट फैमिली से थी, लेकिन टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट
उनकी शादी हो गई कैफी साहब से, तो किया ना। मैंने कहा कि कैफी साहब ने ये फैनेटिज्म को बड़े ही रोमांटिक अंदाज में सॉल्व किया, हल किया, तो किया ना। कैफी साहब थे शिया और शौकत साहिबादी सुन्नी, यानी कि शिया वेडेड सुन्नी। उन दिनों की कश्मकश से ही निकला होगा शायद ये शेर, रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं से मात खा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। लकवा लग गया था कैफी साहब को, लेकिन हिम्मत नहीं हारे थे वो। और जैसे कि अटल जी कहते हैं ना, हार नहीं मानूंगा, वैसा ही अगर कैफी साहब ने नज्म लिखी होती तो बड़ी अच्छी लिखी होती ये टाइटल के साथ, कि हिम्मत नहीं हारूंगा। मुशायरे पढ़ने अपने मददगार के साथ प्लेन में, मैं रिक्वेस्ट हूं प्लीज ऑक्यूपाई योर सीट, थैंक यू। अरे वाह वाह वाह, आई आई आई। मुशायरा पढ़ने अपने मददगार के साथ, अपने असिस्टेंट के साथ प्लेन में कहीं भी चले जाते थे ता उम्र। और मुशायरे के स्टेज पर सबसे पहले आकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाते थे और मुशायरे में ऐसे नायाब शेर पढ़ते थे। आप किसी ने ये शेर नहीं पढ़े होंगे, ये सुने होंगे, ये तीन शेर जो मैं आपसे इंतखाब करके लाया हूं, ऐसे नायाब शेर बहुत कम मिले हैं मुझे उर्दू गजल में भी। मुझको लगा गरीबी की रेखा से हूं बुलंद, आई एम अबोव द पॉवर्टी लाइन। ये पॉवर्टी लाइन आजकल बहुत पॉलिटिकल मिसयूज हो रही है, वो शायरी में लेके आए थे करीब 55-60 साल पहले और 70 साल पहले प्रॉब्ली। मुझको लगा गरीबी की रेखा से हूं बुलंद, पूछा किसी ने हाल कुछ ऐसी अदा के साथ। मुझको लगा गरीबी की रेखा से हूं बुलंद, पूछा किसी ने हाल कुछ ऐसी अदा के साथ। दूसरा शेर सुनिए, मतला है कि जमाने ने जफा तुमसे जफा भी न हुई, दिल कुछ ही संदाज से तोड़ा के सदा भी न हुई। और ये तीसरा शेर जो उन्होंने किसको डेडिकेट किया है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आप किसी भी बड़ी हस्ती को दिमाग में रखकर ये शेर सुन सकते हैं। कोई तो सूद उतारे कोई तो जिम्मा ले, क्या बात है कुलदीप जी, कोई तो सूद उतारे कोई तो जिम्मा ले उस इनकलाब का। और आज ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का क्षण है कि मशहूर लेखक गायक मशहूर लिरिसिस्ट और जिनकी जन्म शती वर्ष है कैफी आजमी साहब के लिए आज एक कार्यक्रम यहाँ रचा गया है और जिसके अंदर यहाँ बहुत ही मशहूर शख्सियत है मेरे साथ ही विराजमान है। मैं एक छोटा सा आर्टिस्ट हूँ, लेकिन आज मैंने उनके लिए उनकी याद में उनके जन्म शती पर कुछ गाने पेश किए और मैं तो यही बोलूँगा कि एक वो बहुत मकबूल शायर रहे और वो आज भी अमर है और शायद ता उम्र ता जिंदगी हम सबके बीच में उनके शायर और उनके कलाम और उनकी बातें उनकी वानगियाँ रहेगी। मैं मध्य प्रदेश इंदौर से आया हूँ और मैं उनको और उनकी इन सभी गीत और गायन को और शायर व शायरी को बहुत बहुत प्रणाम और वंदन करता हूँ। साथ ही यहाँ सभी विराजमान जो शख्सियत है उनको भी बहुत बहुत नमन और वंदन और हम सब जो उनके गीतों को हमेशा गाते हैं और गुनगुनाते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। मैं इतना ही कहना
कहना चाहूंगा कैफी आजमी साहब के साथ के लिए कि मैं बहुत ही भाग्यशाली आदमी हूं कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। यानी मेरी पहली फिल्म थी, उनकी वो लास्ट फिल्म थी, फिल्म का नाम था जाना दिल से दूर, और उस फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे विजय आनंद जी, देवानंद साहब और काफी स्टार का थी इसमें। तो उसका एक गाना है, उसका मुखड़ा मैं सुना देता हूँ आपको, क्योंकि उसी से मेरी मतलब उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं आ जाएगी। तू चला जो अपनी तलाश में, तो कहाँ कहाँ से गुजर गया, था कदम कदम हर इम्तिहान, हर इम्तिहान से गुजर गया। तू चला जो अपनी तलाश में, तो कहाँ कहाँ से गुजर गया, था कदम कदम हर इम्तिहान, हर इम्तिहान से गुजर गया। तो कैफी आदमी साहब एक ऐसे जिंदा दिल शायर थे कि वो हमेशा सच्चाई लिखते थे, और ऐसा लगता था कि वो इंसान की सही जिंदगी लिखते थे। और जो भी मौजू में उन्होंने लिखा है, जिस भी सिचुएशन पे, वो आज तक अमर है, आगे भी अमर रहेंगे। और हमारी तरफ से अल्लाह ताला से यही है कि वो जहाँ भी हो जन्नती हो। नमस्कार। कैफी आजमी तो हमारे सरपरस्त रहे हैं 1969 से, जब उनका पहला प्ले आखिरी शमा हुआ तो उसमें मुझे रोल करने का भी मौका दिया गया और म्यूजिक देने का भी मौका दिया। मैंने मुझे कुछ थोड़ी सी जो तमीज़ है संगीत की या शेर व शायरी की, वो कैफी साहब की कुर्बत से हासिल हुई है। कैफी साहब सिर्फ शायर ही नहीं थे, वो एक्टिविस्ट थे, सोशल वर्कर थे। मैं तो आखिर में सिर्फ कॉमरेड कैफी साहब को लाल सलाम करता हूँ। मैं अपने आप को कैफी आजमी साहब के परिवार का हिस्सा समझता हूँ। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ सीखा है, बहुत उनकी शायरी ने बहुत बहुत इंस्पायर किया है। एक प्रोग्राम है जो हम कैफी साहब पर करते हैं, कैफी और मैं, जो मेरी खुशकिस्मती है कि जिसमें मैं शबाना आजमी जी और जावेद अख्तर साहब के साथ परफॉर्म करता हूँ। इसके 200 शो हमने ऑल ओवर वर्ल्ड किए हैं, और इस साल हम कैफी साहब के 100 साल मना रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इस साल हम कैफी और मैं के 100 शो करेंगे। ऑलरेडी हमने 10-12 शो कर लिए हैं और हम 100 शो पूरे करेंगे। कैफी साहब के दो मिसरे मैं कहना चाहूँगा कि प्यार का जश्न नई तरह मनाना होगा, प्यार का जश्न नई तरह मनाना होगा, गम किसी दिल में सही, गम को मिटाना। मैं बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि कैफी साहब की याद में आज ये प्रोग्राम जो बनाया गया है, मैं इसका हिस्सा बना हूँ। कैफी साहब की कुछ 2-3 दिन में पढ़ने का मौका मिला है। मुझे लगता है हमारी पूरी फिल्म दुनिया में सबसे बड़े शायर हुए हैं कैफी साहब, बिला शक उनमें से एक हैं, और उन्होंने शायरी को आज तक जिंदा रखा हुआ है। मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ, धन्यवाद। ये गर्विता मैम, मैं आज कैफी साहब बहुत खुश हूँ, और उनके नगमे हम सुनते आए हैं, और उनकी शेर और शायरी के सभी बहुत बड़े फैन हैं। मैं भी बहुत बड़ी फैन हूँ क्योंकि यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, और उनका भी गाना है जरा पांडे है। मैं एक शायर हूँ। हमारे
फिल्म उद्योग में कई शायर ऐसे हुए हैं कि जिनको सुन करके पढ़ करके हम लोगों ने शायरी सीखी है। उसमें कैफी साहब एक हैं जिनका हम लोग बहुत सम्मान करते हैं और इतना प्रतिभाशाली शायर कि उन्होंने 11 साल की उम्र में लिख दिया था, इतना तो जिंदगी में किसी की खलल पड़े, हंसने से हो सुकून ना, रोने से कल पड़े, और 11 साल की उम्र में लिखी हुई उनकी गजल को बेगम अख्तर साहिबा ने आवाज़ दी। और एक कम्यून में रहते हुए उन्होंने जो समाज सेवा की, जो मजदूर संगठनों के लिए काम किया, वो अपने ज़माने में बेहद सराहा गया और उसके लिए वो आज भी जानते हैं कि इफ्ता के साथ मिल करके उन्होंने जो समाज सेवा के साथ काम किए। तो कैफी साहब का आशीर्वाद, शुभकामनाएँ और जो कुछ उन्होंने हमें दिया है, हमारे साथ हैं, उसकी रोशनी में हम लोग अपना सफ़र तय करते रहें। कैफी साहब की यादों को सलाम। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी को बोलने की रोक नहीं सकते। सुनिए, आप सबने कैफी साहब के बारे में बहुत बातें सुनी, पर आपको किसी ने बताया कि कैफी साहब को फिल्म इंडस्ट्री में कौन लाया? शायर लुधियाने के बाद जब उनकी कभी नहीं थी तो गुरुदास ने, उस टाइम मेरी उम्र थी 18 साल की, तो उनका पहला गाना सुना, उड़ जा उड़ जा पैसे भर रहे, देखी जमाने की यारी, पिछड़े सभी बारी बारी, क्या लेके चले दुनिया से, मतलब ये उस टाइम पे गाना है। तो शायर जिन्होंने शायर लुधियाने पैसा के गाने लिखे, उस बार कोई शायर नहीं था फिल्म इंडस्ट्री में। कैफी साहब पहले आदमी, गुरुदास उनको लाने वाले हैं, आप इतना बड़ा फैक्ट नहीं बता रहे लोगों को। ओके ओके, शुक्रिया सर, शुक्रिया। थैंक यू सर। केशव राय जी इस संस्था के अध्यक्ष हैं। केशव राय जी इस कार्यक्रम के बारे में दो शब्द कहेंगे। लोखंडवाला कविता क्लब हर बार महान लोगों को याद करता है, उनकी पुण्यतिथि और जन्मतिथि में तो देश याद ही करते हैं उनके जो वेल विशर हैं। हम भी उनकी याद में एक कार्यक्रम करते हैं और उनका जो साहित्य संगीत कला में जो योगदान है उसको कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ऐसे ही कैफी आजमी साहब की जन्म शती पूरे देश ही नहीं दुनिया में मनाई जा रही है। हमने भी ये तय किया कि हम इनको मनाएंगे और आज आपने देखा सारे बड़े बड़े गीतकार, गायक, शायर और कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी और ये कार्यक्रम को इतना सफल बनाया और उनको याद किया। धन्यवाद।